अस्सलाम वालेकुम हैवर नज़ीर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ नईम शेख और आज हम मौजूद हैं अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में अपना हैवर नज़ीर कंस्ट्रक्शन कंपनी का आगाज़ कर दिया था। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर मलिक, जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। तो मुनीर मलिक साहब को मैं बुलाता हूँ। मुनीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुनीर मलिक और मैं हैवर नज़ीर कंस्ट्रक्शन को रन कर रहा हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। और आरडीएम ने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था सबको कि हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ऑफिशियली हमने अपनी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया है इन गुलबर्ग सिटी सरगोधा में। तो आज हम मौजूद हैं अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर। उसके बारे में जो हमने बिगनिंग से लेकर अभी तक जितना स्टेप बाय स्टेप काम किया है उसके बारे में आपको मालूमात देते हैं। नईम भाई, जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए हम आपको। अच्छा, बेसिकली मुनीर भाई की बात मैं काट रहा हूँ, जो हमारा मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि आप लोगों को रहनुमाई की जाए कि हमारे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और बेस से लेके एट द एंड तक क्या है। चीज़ को हम डे बाई डे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक कैम ऊपर जो कि इंस्टॉल कर दिया हुआ है, जो हमारी डे बाई डे कंस्ट्रक्शन को 24 आवर्स को वॉच कर रहा है और इसको रिकॉर्ड कर रहा है। उसके बाद हम चलते हैं मुनीर भाई की तरफ, इनसे पूछते हैं कि जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जहाँ पे इन्होंने ओपन किया है, इसके स्टार्टअप इन्होंने किस तरह से लिया और इनका जो बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है उसको हम मुनीर भाई एक्सप्लेन करेंगे। तो जी मुनीर भाई, ज़रा अपने बारे में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। जी नहीं भाई, मैं एक्चुअली 2011 से कंस्ट्रक्शन फील्ड में हूँ। ठीक है। ड्यूरिंग स्टडी मैंने लाहौर मेट्रो प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था उसमें एक अंडर पास था मेरे पास था, मैंने ड्यूरिंग स्टडी उस एज अ कंस्ट्रक्शन में एंट्री की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट कोई 9 से 10 ईयर में काम कर चुका हूँ और डिफरेंट प्रोजेक्ट किए हैं। पाकिस्तान में भी मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट किए हैं और उसके बाद मैंने अब्रॉड में ऑलमोस्ट नियर अबाउट 11 प्रोजेक्ट किए हैं, हाई स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। और उसमें यूएई में मैंने दुबई में काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं, एक डाफ्सा का प्रोजेक्ट किया है। और अगर मैं गिनने लग जाऊं तो शायद टाइम की कमी की वजह से मैं बता नहीं सकता। बेसिकली माशाल्लाह मुनीर भाई का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमारे पाकिस्तान के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है बिल्डिंग मेकिंग में। और इसके अलावा मुनीर भाई का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो दुबई के अंदर, जहाँ पर आपको जानते हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेवल किस लेवल पर पहुँच चुका है। वर्ल्ड में मोस्ट बड़ी बिल्डिंग वहाँ पर बनाई गई हैं और काफ़ी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे मुनीर भाई ने उनके साथ काम किया है, वहाँ पे उसको सुपरविजन की है। अच्छा, यहाँ पे मुनीर भाई का आने का मकसद ये था कि जो लिविंग स्टैंडर्ड दुबई में और कंस्ट्रक्शन लेवल वहाँ का है वो यहाँ पे देना चाह रहे थे हम। ठीक है, तो अब मुनीर भाई से ये पूछते हैं कि हाँ, जो दुबई में करते हैं वो यहाँ पर किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मुनीर भाई से ज़रा डिटेल से पूछते हैं, मुनीर भाई यहाँ पर आपने कौन कौन से स्टेप जो वहाँ पर अपने इम्प्लीमेंट किए हैं वहाँ पर जहाँ पर कर रहे हैं। एक्चुअली नहीं भाई, पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल में कंस्ट्रक्शन में काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ जहाँ से मुझे आउट ऑफ कंट्री से इसको इंपोर्ट करना पड़े और पाकिस्तान में किसी भी सिटी से मुझे मिलते हैं तो मैं उनको कलेक्ट कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ। और अब जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की डिटेल की तरफ। ठीक है, अभी मुनीर भाई हमें अपना प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देंगे, इन्होंने स्टार्टअप जो बेस से लेके अभी यहाँ तक जो आप पहुँच चुके हैं तो ये किस तरह से इन्होंने ये सारी वर्किंग की है इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे। हम मौजूद हैं यूनिट के ऊपर जो कि मुनीर भाई इस टाइम इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। अच्छा मुनीर भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये यूनिट कितने मंजिले पे है और किस तरह से आपने इसको स्टार्टअप दिया। जी नहीं भाई, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली जो ये घर है रेजिडेंशियल हाउस है ये है 5.5 मरला यानी 5.5 मरला पे है। और यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने ऑब्जर्व किया इस एरिया में, जब मैंने लैंड देखी तो इसकी बेयरिंग कैपेसिटी को मैं उस पर गया कि क्या ये हमारे घर का जिस टाइप से हम इसको डिज़ाइन किया हमने वो ज़मीन उसका लोड उठा पाएगी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जो लैंड थी उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट मेरे रिक्वायर्ड जो थी उसके बराबर आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने एक्टिवेशन के बाद सबसे पहले मैंने बेयरिंग कैपेसिटी का टेस्ट लिया। ठीक है, टेस्ट के बाद फिर मैंने उसको, मुझे ज़रूरत थी वहाँ पे कंपैक्शन करने की। सही है, ठीक है, कंपैक्शन करने से पहले मैंने एक और स्टेप किया है कि इसको एक्सीबिशन करने के बाद एक दिन के लिए धूप में छोड़ा है। ठीक है, उसमें ये था कि जो पानी था हमारी फाउंडेशन एक्सीबिशन में वो वहाँ से ख़त्म हो गया। सही है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने कंपैक्शन किया है, कंपैक्शन करने के बाद 3 कोट कंपैक्शन किए हैं, कंपैक्शन करने के बाद उसके बाद हमने किया है जी 50x50 यानी फाइन मटेरियल और उसके बाद क्रश 1.5 से 2 इंच का क्रश है, हमने उसको मिक्स करके उसके बुनियादों में डाला है 9 इंच ऑलमोस्ट पौना फुट तक, उसकी कंपैक्शन किया दोबारा। कंपैक्शन करने के बाद फिर हमने 1:8 रेशो का सीमेंट
ड्रेप और क्रश जो है ये मिक्स करके मिक्सचर में फिर हमने डाला है 6 इंच। अच्छा, इस सब चीज़ों का फायदा क्या है, मतलब कि यूजर अगर कोई एंड द एंड यूजर जब आता है, मतलब बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, उसका इससे इम्पैक्ट में मतलब कितना डिफरेंस आ जाता है नॉर्मल बिल्डिंग से जो लोग बना रहे हैं? नहीं भाई, एक्चुअली होता क्या है, अगर हम मैंने देखा है काफ़ी लोग करते हैं जो भाई मतलब अपनी मदद आपके तहत अपना घर बनाते हैं उसमें, और एक इंजीनियर के घर बनाने में प्लान के तहत घर बनाने में काफ़ी डिफरेंट होता है। होता क्या है, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, एक्सकवेशन के बाद नीचे थोड़ा ईंटों का रोड़ा कुटाई करके वो डाल दिया, उसके बाद ऊपर हमने मिक्स बज्जर डाल दिया। एक्चुअली होता क्या है, हमारा जो एरिया में सेम वगैरह का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे ईंट जो है ना, ईंट सेम को पकड़ती है ज़्यादा। सही है, तो ये बहुत गलत स्टेप है, ये नहीं करना चाहिए, इसमें प्रॉपर स्टोन यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसलिए स्टोन यूज़ किया, पहले ड्राई स्टोन डाला, ड्राई स्टोन के बाद मैंने उसको सीमेंट प्रॉपर मतलब एक रेशो से डाला एज पर जैसे मैंने डिज़ाइन किया था। डिज़ाइन करने के बाद 9x तीसरा स्टेप मैंने किया है, उसकी कंपैक्शन करने के बाद फिर मैंने तीसरा स्टेप जो लिया वहाँ पे RCC डाला। ठीक है, RCC क्या होता है, मैं RCC के बारे में थोड़ा बताता चलूँ कि RCC होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, उसमें स्टील यूज होता है और बाकी नॉर्मली कंक्रीट सीमेंट रेत बजरी इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसका मैंने स्टील का पूरा एक जाल थ्रू आउट पूरा एक पूरे घर का एक जाल बना के एक मतलब पूरा आपस में अटैच था कि कोई पार्ट ऊपर नीचे नहीं था, पूरा अटैच था। उसको मैंने कंक्रीट किया, 6 इंच कंक्रीट किया, कंक्रीट करने के बाद फिर उसको क्यूरिंग किया मैंने। क्यूरिंग मीन हम तराई करते हैं, एक्चुअली जो भी हम करते हैं ब्रिक वर्क करते हैं, ईंटों की चुनाई करते हैं या कोई कंक्रीट डालते हैं तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम इसको पानी भी देना। सही है, मतलब पानी का बहुत ज़्यादा कंक्रीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अगर आप कंक्रीट को पानी नहीं देंगे तो कंक्रीट आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेगी। सही है, तो मिनिमम जो है मिनिमम आप बहुत ही मिनिमम चले जाएं तो 7 डेज आपने कंक्रीट को पानी देना होता है। अच्छा, मैं एक बड़ा अहम सवाल है जो हमारी ऑडियंस अभी देख रही है, उनका ये होता है कि चले हम कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी से कोई बिल्डिंग बनवाते हैं तो उसमें मटेरियल जो आपका होता है वो किस क्वालिटी का होता है? नहीं भाई, मेरे एक्चुअली जो हेवन एजेस कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके 2 स्टैंडर्ड हैं और उन स्टैंडर्ड पे हमारा ये एम है, हमारे CEO का और मेरा ये एम है कि हमने कभी मटेरियल पे कंप्रोमाइज नहीं करना और ना ही हमने कभी रेट पे कंप्रोमाइज करना। अगर हम डेफिनेटली रेट पे कंप्रोमाइज करेंगे तो हम मटेरियल में बजट की तरफ जाएंगे जो बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमारे 2 स्टैंडर्ड हैं, उसमें हमने डिफाइन किया हुआ है, एक हमारा इकोनॉमी क्लास स्टैंडर्ड है अपना स्टैंडर्ड और उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो लग्जरी टाइप है। मींस कि आप सिर्फ 2 स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। 2 स्टैंडर्ड पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हेवन एजेस कर रही है और 2 स्टैंडर्ड पे हम हमारा एक स्केड्यूल बना हुआ है। ठीक है, और एक डिटेल है मटेरियल की, हम क्लाइंट के सामने रखेंगे और वो मटेरियल हम हेवन एजेस चैलेंज करेगी, जो मटेरियल हम देंगे उनको लिख के वो मटेरियल नहीं है तो हेवन एजेस उसका जो भी फाइन है वो पे करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बात इन्होंने की है कि जो बात ये लिख के दे रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, और मनीर भाई इससे ज़्यादा हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हम डे बाई डे इसको बेसिकली रिकॉर्ड जो हो रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। अच्छा, सबसे इस बात का जो वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद है कि हम आपको जो हमारी कंस्ट्रक्शन लेवल है ना वो गाइड करना था, मनीर भाई ने तो आपको गाइड भी कर दिया है और इसके अलावा हम डे बाई डे इस वीडियो को बनाते जाएंगे और आपके सामने इसको रखते जाएंगे। हमारा जो नीचे बेस से लेके एट द एंड फिनिशिंग पॉइंट तक हम इसको प्रॉपरली आपको अपने चैनल पे दिखाएंगे, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। कीप स्माइलिंग।